नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियोग्राफी से स्वागत करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉबलस 360 यूट्यूब चैनल में। असम के दोस्तों के लिए आज का मैं एक बहुत ही खुशखबरी में लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि असम के बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे इसी दिन के लिए, क्योंकि असम का जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट निकला था टोटल 309 वैकेंसीज था इसमें, तो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है इस पोस्ट का एडमिट कार्ड, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा इस पोस्ट का एडमिट कार्ड आप कैसे देख सकते हैं, साथों साथ और भी कुछ डिटेल्स जो असम ONGC का रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको अगर इस विषय में सारी जानकारी प्राप्त करना है, वीडियो को फुल्ली देखना है, तो इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों को मैं करना चाहूँगा, अपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल को अवश्य दबा दीजिएगा, और मेरे जो दोस्तों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन सभी दोस्तों के लिए और एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं ऑफिशियल साइट को मैं ओपन करके रखा हुआ है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल साइट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी खैर साइट थोड़ा डाउन चल रहा है जिसलिए कभी कभी नहीं खुल रहा है, ठीक है। तो आप दो तीन बार ट्राई कीजिएगा, अवश्य आपका खुल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो दोस्तों मैं पेज पर आ गया हूँ जो कि jobsandhan.com का रिलेटेड है, या पर आप हेडलाइंस में देख सकते हो ONGC आसाम एडमिट कार्ड जो अभी पब्लिश कर दिया गया है, ONGC आसाम नॉन एग्जीक्यूटिव एडमिट कार्ड 219 डाउनलोड लिंक पब्लिश्ड। आपको इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथों साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक भी दिया गया है, आप अगर इस पेज के जरिए आना चाहते हैं इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। CBT अभी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट और भी अनाउंस कर दिया गया है जो कि CBT एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, जो कि जून पर है, यानी कि अभी जो मंथ चल रहा है जून 6 तारीख है आज का डेट अगर देखा जाए, तो इसी मंथ में आपका CBT टेस्ट भी लिया जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई भी डेट नहीं दिया गया है अभी तक ऑफिशियली, तो देते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। साथों साथ और एक नोटिफिकेशन जो आप ऑफिशियली देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसका, तो टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप अगर इस पेज को भी डाउनलोड करना चाहते हैं इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर 70 या कुछ कैंडिडेट्स का अभी तक एप्लीकेशन फीस का भुगतान नहीं हो पाया, जिसलिए बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड की तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स को कॉल के जरिए कॉन्टैक्ट करने की बोर्ड ने कोशिश की है। कुछ कैंडिडेट्स के साथ कॉन्टैक्ट हो पाया, यानी कि हुआ, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स के साथ अभी तक कॉल करने की ट्राई किया और कैंडिडेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, जिसलिए उन सभी कैंडिडेट्स के लिए 70 कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन निकाल दिया है बोर्ड ने, जो लिस्ट इस समय आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन लिस्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर भी तुरंत इस पेज को यानी PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका भी एडमिट कार्ड इस बार आया है, फीस का जमा अभी यानी कि अभी आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक इस फीस का भुगतान यानी कि इस लिस्ट में जिसका नाम है यानी कि जिन कैंडिडेट्स का नाम है उन सभी को अभी फीस का भुगतान करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया, ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सेम प्रोसेस जैसे भी किया था आपने उसका पेमेंट फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो करने के बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। खैर दोस्तों अभी आपको बताएंगे कि इस पोस्ट का आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पेज में आने के बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने में मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू आई डाउनलोड माई एडमिट कार्ड, जैसे आप देख सकते हैं जो कि फॉलो द लिंक फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड एट लॉग इन पेज एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि सबसे पहले आपको एक यहाँ पर बाय में यानी कि डाउन में एक बॉक्स देखने मिलेगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद DOB नंबर यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसमें फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड आएगा, वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन करना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इंटरफेस आपको पेज जो ओपन होगा वो ही आपका एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। दोस्तों अभी के लिए यही था, इस विषय में और भी कुछ जानकारी प्राप्त होती है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी दोस्तों के लिए, मेरे जो दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन यानी कि जॉब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने आप अगर चाहते हैं आपको मिले तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबा देना। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन सभी दोस्तों के लिए, मेरे जो दोस्तों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है।